आदाब नमस्ते सत श्री अकाल आपका मेरे बकरी वाले यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे दिनों से यूट्यूब पे आ नहीं सका और आपको टाइम नहीं दे सका एक्चुअली मेरा कुछ तो काम चल रहा था और आपको फ्यूचर में तो पता चलेंगे ही आज का अपना जो वीडियो है जो मैं टाइम नहीं मिलता इस सिलसिले के लिए हम गुड फार्मिंग की अभी ट्रेनिंग नहीं ले रहे तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे दोस्तों ने अभी मुझे प्रयास किया है कि हम ऑनलाइन में आके कुछ तो भी गुड फार्मिंग रिलेटेड वीडियो स्टार्ट करें ट्रेनिंग देने के और इनशाला मैं कोशिश करूंगा जो बेस्ट मुझे देने आए वीडियो में जो आपको बातें हम ट्रेनिंग में करते थे वो हम हम यही करने वाले तो आज ये वीडियो देखना किसे है तो जो बिगेनियर है जो चालू करने वाला है गोट फार्मिंग और लिटरली हम एज सुन एज पॉसिबल हम पोल्ट्री फार्मिंग और मधुमक्खी पालन जो जो सब रिलेटेड टू फार्मिंग बिजनेस है सबकी एक सीरीज ला रहे बांदा वर्चा उद्योजक बोल के मराठी में रहेंगी और ट्रांसलेट हिंदी में भी करेंगे तो जो फार्मिंग रिलेटेड बिज़नेस है उनके हम सारे इंट्रो लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि बिज़नेस कैसे चलाते तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं गोट फार्मिंग क्या चीज़ है जो बिगिनर है वो ये वीडियो देखे जो पुराने हो चुके वो भी देख सकते हैं वैसे तो कोई उनकी मर्जी जो हो वो करे लेकिन जो स्टार्टअप उनके करना है जिन्होंने जिन्होंने को स्टार्ट करना है सीखना है ये बात जानना है कि गोट फार्मिंग क्या चीज है तो ये बातें करनी है तो जो आप वीडियो देखें तो बात ऐसे आप गोड फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप करते वक्त कम से कम पैसों में कम से कम लागत में शुरू कीजिए क्योंकि कैसा है लिटरली आपको ये बिजनेस नया है ये फेस नया है ये आपको माल बेचना है आपको आगे क्या करना है ये करना है मेरे को क्वेश्चन इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि यार उस्मानाबादी गोट्स हमें लेनी है ये करना है वो करना है तो क्या करे उस्मानाबादी ले सोजत ले एक्चुअली दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ एक गोट्स डिपेंड नहीं रहता कि गोट्स आप उस्मानाबादी ले रहे सोजत ले रहे ले रहे सिरो तो डिपेंड ये नहीं कि कोटा ले रहे क्या ले रहे डिपेंड रहता है कि आप कैसे करने वाले आप नस्ल कैसे चुनने वाले हो किरोइए में जाके आप देखोगे तो उसमें भी अगर कोई जो फॉल्टी नसल आपके पास आ गई तो आप सक्सेस नहीं हो सकते आपको सबसे पहले जो आपको एक सबसे बड़ा काम करना है जो आप नस्ल लेने वाले हो जो आप जो ब्रीड के साथ आप काम करने वाले हो चालू तो वो ब्रीड का जो उनका जो पूरा ब्लड लाइन था उसके फादर उसकी मदर उसके फादर उसकी मदर कितना दूध देती थी उनको कितने बच्चे होते थे ये ये सारी डीप में जाके डीप कन्वर्सेशन करके खरीदते वक्त ज़रा लोग बोलेंगे चापलूसी तो चापलूसी करके अपना अगर फ़ायदा होने वाला रहा है अपना अगर फायदा हो तो डेफिनेटली चापलूसी करना अच्छी बात है तो ये सारी छोटी छोटी बातें देख के हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है और रही बात शेड़ की तो कम से कम लागत में आप शेड़ कीजिए पहले सबसे गंवाणी जो बोलते हैं फोडर जो आता है फोडर खिलाने के लिए फोडर जो टब्स वगैरह आते हैं जो गवान बोलते हैं मराठी में वो ठीक से बनाइए और एक्चुअली एक बात मैं दिल से बताना चाहता हूँ दोस्तों सबसे पहले मार्केट में घूमिए और आपकी दिल से आपको कितना लगता है कि मुझे गोड फार्मिंग स्टार्ट करना है मैं करूँगा इशाल्ला मेरा होऊन आणि खरंच तुम्हाला करायचं असेल म्हणजे मना तुन इंटर को और आवाज़ आ ली पाए एक दिल से आपको आवाज़ आती होगी कि मैं करूँ ऐसा मत करो कि वीडियो देख रहे छः महीने से ट्रेनिंग लिया या आपके दिल से आवाज़ आ रही है आपको करना है तो करना ही है बराबर अभी ये बात तो आपके जहन से अगर कोई निकाल ही नहीं सकता और आप बोल रहे घर वालों को नहीं मुझे करना है तो ज़रूर कीजिए लेकिन इंटरेस्ट चाहिए ये बिज़नेस में और ये बिज़नेस का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपके जो मल्टीप्लिकेशन होते जाते हैं बकरियों के बच्चे बच्चों के ये तो अच्छा पॉइंट है बाकी ईद के पैसे अच्छे मिलते हैं मटन मार्केट है उसमें कटिंग में आप बेच सकते हैं आपका पर्पस डिसाइड कीजिए सबसे पहले हमें अगर, अगर अपना पर्पस ही पता नहीं अगर मुझे जाना है नासिक को इधर से कलवन से और नासिक से पुना निकलना है बराबर तो नासिक से मैं अगर पुनः निकलना है तो मुझे पुना की बस में बैठना होगा ओके तो मैं अगर मुंबई की बस में बैठ गया तो बम्बई नहीं जा पाऊँगा तो ये बात के लिए मुझे पुनः के बस में बैठना होगा तो आप अपना गोल डिसाइड कीजिए यार आप हम देखिए सबसे बड़ा आप ट्रेनिंग भले आपको ऑनलाइन मिल जाए बहुत सारे दोस्त हैं मेरे यूट्यूबर हैं अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं उनके जाके वीडियो देखिए मेरे वीडियो देखिए सारे लेकिन आप आप जब तक खुद जाके सराइव नहीं करोगे एक देखो कैसा रहता है चीज़ कि आप जब जाके फील्ड में उतरते हो तो बात कुछ अलग बन जाती है आपका जो खुद का एक्सपीरियंस रहता है वो और सुना हुआ एक्सपीरियंस और जो पढ़ा हुआ एक्सपीरियंस ये ये सारी अलग बात है ये इंफॉर्मेशन क्या है नॉलेज क्या है एक्सपीरियंस क्या है जो चीज़ हम करते 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 एक्सपीरियंस लेते हमें भी कुछ ज़रा फॉल्ट थे हमें भी कुछ ज़रा परेशानी आई हम भी ज़रा हारे हुए कभी तो हम भी फंसे थे बराबर लेकिन जो एक्सपीरियंस लेते गए लेते गए लेते गए तो एक आदमी बढ़ता है कॉन्टैक्ट बनता है कॉन्टैक्ट बिल्ड होता है जो एग्जीबिशन रहते है एग्रीकल्चर की वहाँ जाइए ट्रेनिंग में जाइए अटेंड कीजिए तो कॉन्टैक्ट बनेगा कौन क्या बेचता है कौन कैसा करता है किसकी स्ट्रेटजी क्या है ये सारी चीजें समझिए बराबर छः सात महीने आप पहले स्टडी कीजिए बाद में जाकर आप यहां से शुरुआत कीजिए कि मुझे गाउटी गोट्स लेना है या आपके पास अगर पैसा हो अच्छा खासा तो आप यू कैन गो फॉर दैट ईद के लिए जाइए अच्छे बकरे लीजिए पलाई कीजिए उनको बड़ा कीजिए खिलाइए खस्सी कीजिए अंडुल कीजिए सोजत वॉट एवर जो आप कर सकते हो आपका आर्थिक जो कैलकुलेशन आपका जो बजट क्या आपका जेब कितना गर्म है इस पर भी डिपेंड है नहीं तो आप दस लाख लोन लेके आप इतना गोट फार्म डालने तो ये बात मत कीजिए गलत बात है आप एक दो लाख से कम से कम लागत में शुरू कीजिए मैं पहले से भी यही बोलता आ रहा हूँ और जो भी आपके कुछ क्वेश्चन हो दोस्तों क्या क्या खिलाना है कैसे क्या करना है और शेड पे ज़्यादा खर्चा मत कीजिए कि ऐसा ही शेड चाहिए वैसा ही चाहिए हम उनको जैसे आदत लगेंगे हम जैसे बच्चे थे हमारे पापा ने अपने को अगर मेहनत करने की आदत लगाई तो हम अभी भी मेहनत करते अगर किसी के डैडी ने मदर फादर ने अगर कुछ गलत आदतें लगाई भी नहीं हो लेकिन वो बच्चा देख के अगर वो आदतें सिखाओ बराबर तो वो उसको फॉलोअप करके उसका हैबिट बन जाता है और वो वैसे ही चीज़ें करता है तो ये बातें रहती हैं तो हम भी गोड्स को जैसे लगाएंगे उसको अगर थोड़ा पानी में कीचड़ हुआ तो ठीक है तो उसको सरवाइवल करने आदत लगने चाहिए ये सारे बारिक सारिक जो पॉइंट्स रहेंगे मैं सारे इंशाल्लाह लूँगा लूंगा वीडियो में ओके और ये लेके मैं एक बड़ी सीरीज़ बना रहा जा रहा हूँ अभी ये स्टार्टिंग है तो गोड फार्म का मैंने खाली इंट्रो दे दिया बाकी आपका मीट मार्केट रहता ईद मार्केट रहता अभी ये बातें बहुत कॉमन हो चुकी है अभी ये बातें करके करके तो अभी ऐसा कुछ तो भी अलग अलग बातें लेंगे मेरे पास भी एक्चुअली कुछ ज़्यादा बहुत पॉइंट नहीं है तो आप एक काम कीजिए मुझे कमेंट कीजिए और जो आप मुझे कमेंट करेंगे जो आप मुझे डालेंगे वो मैं देखूँगा उस पर आंसर करूँगा मेरा नंबर है नाइन थ्री फाइव नाइन टू डबल फोर या मुझे ये वीडियो के नीचे आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो आपके क्वेश्चन मैं उनकी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पे और आपके क्वेश्चन भी थे गांव के बाज़ार पे बहुत सारे उसका कुछ तो भी डेढ़ दो लाख वीडियो का व्यू हो चुका है बहुत जबरदस्त वीडियो वायरल हुआ है तो जल्दी इन शह चालीसगाँव को जाके उधर के रेट वगैरह तो कोट करके सब कितने को कैसा आता है ये सब करके मैं आपको बताऊँगा और गोट फार्मिंग करते हुए अलग अलग हम क्या क्या बिजनेस कर सकते कैसे कर सकते पैसे कमा सकते हैं और कैसे इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको ये ट्रेनिंग सेशन में सिखाऊंगा ये ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन होगा हमारा इसमें आपको सारा ट्रेनिंग ऑनलाइन दिया जाएगा आपको किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं पैसे ये भरने की जरूरत नहीं आपकी अगर लिस्ट भी हो लंबी पंद्रह सवा लो पचास सवाल लो सौ सवाल हो मुझे लिख के व्हाट्सअप कीजिए मैसेज कीजिए मेरे को फ़ोन मत कीजिए तंग मत कीजिए बस खाली व्हाट्सअप कीजिए और अगर जो भी कुछ फोडर सीट्स लगे जो फोडर स्टार्टिंग के लिए लगते हैं तो उसके लिए पूजा मैम को कांटेक्ट कीजिए तो आपको सीट घर तक मिल जाए मिल जाएंगे और मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया बहुत दिन के बाद आया तो तय दिल से सॉरी माफ़ी चलो खुदा हाफिस बाय